किसान आंदोलन लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। जहां एक तरफ आंदोलन को दिल्ली से सटी सीमाओं पर 5 महीने पूरे हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की पूरी कोशिश के बाद भी किसान टस से मस नहीं हुए। उल्टा किसानों ने आंदोलन को नई रफ्तार देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को 5 महीने पूरे हो गए। कृषि कानून का विरोध लगातार हो रहा है। हर राज्य में जिन जगहों पर किसानों ने धरना शुरू किया, उन जगहों पर किसान डटे हुए हैं। हाल के दिनों में महामारी ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, तब से महामारी एक्ट का हवाला देकर सरकार ने लाख कोशिश की कि किसानों को धरना स्थल से हटा दिया जाए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि किसानों का आंदोलन 2024 तक चल सकता है। किसान किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। साथ ही मौजूदा हालात में ऑक्सीजन की कमी पर सवाल उठाते हुए किसानों ने कहा कि ये सरकार की नाकामी है। वहीं किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो आने वाले समय में रोटी को लेकर भी समस्या खड़ी होगी, जैसे आजकल ऑक्सीजन की समस्या बनी हुई है, क्योंकि ये कानून खेती और किसान विरोधी हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो गेहूं मंडी में बेच चुके हैं। गेहूं के सीज़न में भी किसानों का जोश कम नहीं हुआ है और ना ही धरने में किसानों की संख्या कम हुई है, बल्कि पहले से ज़्यादा लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि महामारी को लेकर हर गाइडलाइन का पालन धरना स्थल पर किया जा रहा है। किसान अब सरकार को राजनीति नहीं बल्कि रणनीति से हराएंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।